तेरे गुनाह की निधुने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के मेरे गुनाह की निधुने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के ये क्या किया तूने क्यों ये किया जा देखे तूने ये जीवन परमेश्वर के तेरे नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी को बड़े प्रेम के साथ विनम्रता पूर्व स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 6:14 के प्रथम भाग। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। बाइबल में बताई गई आराधना के बारे में यदि विचार करें आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि उसका केंद्र बिंदु आत्म त्याग अथवा सेल्फ सैक्रिफाइस है। आत्म त्याग के बिना आराधना वचनानुसार करनी असंभव की बात। पुराना नियम में न्याय व्यवस्था में दी गई आराधना अथवा होम बलि किसी निर्दोष जानवर का बलि चढ़ाकर अर्पण की जाने वाली आराधना थी। लेवी व्यवस्था अध्याय 1:1-17 तक पापी मनुष्य के लिए एक निर्दोष जानवर जिनका उन पापों में कोई हिस्सा नहीं है बलि हो जाता था। वहां वो जानवर जो बलि हो जाता है आत्म त्याग का उत्तम उदाहरण है। फिसी 5:2 में हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई एक आराधना के रूप में प्रेरित पौलुस वर्णन करते हुए आप देख सकते हैं। वहां यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को एक आराधना के रूप में लेखक वर्णन करने का एक वजह यह है कि प्रभु की मृत्यु आत्म त्याग का प्रदर्शन है। आत्महत्या आत्म त्याग का प्रदर्शन नहीं है क्योंकि आत्महत्या वही लोग करते हैं जो अपने जीवन में उदास और निराश है और वे ऐसे भी लोग हैं जो समस्या से डरने के कारण समस्याओं से बचने के लिए जिंदगी से भागना चाहते हैं। परंतु वे लोग नहीं जानते हैं कि आत्महत्या के द्वारा वे लोग सबसे बड़ी समस्या की ओर ही जा रहे हैं। Committing suicide is not an exhibition of self-sacrifice because those who commit suicide are cowards who do not want to face the problems in their lives. So committing suicide cannot be considered as an example of self-sacrifice. आत्महानि अथवा स्वयं को नुकसान पहुंचाना अथवा self-abasement को भी आत्मत्याग की सूची में नहीं गिना जा सकता क्योंकि अक्सर धार्मिक या अन्य वजह से जो अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं उसके द्वारा कोई सांसारिक लाभ या मोक्ष प्राप्ति आदि के उपलक्ष्य से ही ऐसे करते हैं। अपना लाभ के लिए किए जाने वाला कार्य होने के कारण आत्महानि अथवा सेल्फ एबेसमेंट को भी आत्मत्याग की सूची में नहीं गिना जा सकता। आत्मत्याग अथवा सेल्फ सैक्रिफाइस अगले के फायदा के लिए अपनी सौभाग्यताओं को मर्जी से त्यागना। सेल्फ सैक्रिफाइस इज सैक्रिफाइसिंग ऑन प्रिविलेजेस विलिंगली फॉर द सेक ऑफ अदर्स एंड इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ वर्शिप दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द बाइबल। कलवरी के क्रूस जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर मृत्यु सही है आत्मत्याग का प्रतीक है। क्रूस उस समय तक क्रूरता और दंड का प्रतीक था जब तक यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तब से क्रूस आत्मत्याग का प्रतीक बन गया क्योंकि मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर ने जिस पुत्र को त्यागा है उस पुत्र ने मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना आत्मत्याग किया था। क्रूस आत्मत्याग का प्रतीक उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उस पर आत्मत्याग किया गया परमेश्वर के पुत्र यीशु के कारण आत्मत्याग का प्रतीक है। बाइबल में बताई गई आराधना का केंद्र बिंदु भी यही आत्मत्याग ही है जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रदर्शित किया था। सप्ताह के इस प्रथम दिन में रोटी और दाखरस के द्वारा हम जो याद करते हैं वो भी यीशु मसीह का आत्मत्याग ही है। आत्मत्याग का मनन आराधना में करते समय यीशु मसीह के लिए आत्मत्याग करने का एक मन यदि हमारे अंदर भी उत्पन्न होता हो तो मुझे इस बात पर शक नहीं है कि हमारी आराधना स्वर्ग के लिए अवश्य
अवश्य ग्रहण योग्य होगी। आत्मत्याग की याद, भजन कीर्तन, धन्यवाद, वचन का मनन एवं प्रभु भोज के द्वारा करने वाले हमारे अंदर प्रभु के लिए कुछ प्रिय चीजों को त्यागने या प्रभु के लिए कुछ कष्ट उठाने का मन नहीं हो तो हम कैसे ये दावा कर पाएंगे कि हमने यीशु मसीह के आत्मत्याग का स्मरण किए हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ अष्ट मनन में हा समाप्त करता हूँ। एक आत्मत्याग की भावना के साथ आराधना में यीशु मसीह का मनन करने के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ त्यागने के लिए एक तीव्र इच्छा के साथ उनकी आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया।